गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है सुबह के 11:45 और आज का ये जो व्लॉग है ना, मानता हूँ बहुत लेट शुरू हुआ। क्यों? आप देख सकते हो मैंने दाढ़ी मूछ तो थोड़ा क्लीन किया क्योंकि बच्चे वाले फील आ रहा है, पर एक गड़बड़ हो गई क्योंकि मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था जहाँ पे उसने एक अच्छा सा हेयर कट किया था और उसका यहाँ पे जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हम उड़िया में कल ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, इसने ये पूरा क्लीन कर दिया था, सिर्फ यहाँ से उसका बाल था। तो वो अच्छा मुझे लगा सर मैं भी ट्राई करूँ, मेरे पे क्या पता अच्छा लगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोशिश तो किया पर आधे में मेरा ट्रिमर खराब हो गया और ये देख लो यहाँ पे रुक गया। अभी इसको मुझे साइज करना है, यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा हुआ है, इसको फिर से वो चार्ज होगा तो उसको साइज करूंगा, फिर आप बताना कि अच्छा लग रहा है या नहीं। क्योंकि हमारे घर पे बोलता है अगर एक बार आप नहा लो ना फिर आप बाल नहीं काट सकते, तो मैं ये कल ही करूंगा। पर आप लोग बताना आप लोग को अभी कैसा लग रहा है या फिर इसको कुछ चेंज करें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बाल भी काटना है थोड़ा, तो सैलून जब टाइम होगा, सुबह उठ के सैलून जाने में मुश्किल होती है, फिर अगर मैं 10 या 11 बजे जाऊंगा ना तो आते वक्त लगभग 1 बज गए 2 बज जाते हैं भाई, तो मैं सुबह जल्दी उठना नहीं होता अभी मेरे से। और भाई मैं ब्लॉग ना रोज बनाने की कोशिश तो करता हूँ पर आधा शुरू करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, या शुरू करता हूँ फिर कुछ कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ब्लॉग में करता ही नहीं, नहीं आज छोड़ देते कल से करते, ये मेरा आलस हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉग मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता इस ब्लॉग में दिखाने के लिए। गाइस अभी टाइम हो चुका है शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आपको बता दूं मैं गया दोपहर को लंच करने के बाद सो गया और मुझे आइडिया ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना है। मैं सो गया और सो के उठा, अभी बड़ी थोड़ा फ्री हो रहा है, मतलब बड़ी फ्री लग रहा है, सब कुछ एक्टिव लग रहा है, पर मैं सो गया ना तो दोपहर में कुछ अच्छा कंटेंट निकल सकता था वो नहीं हो पाया भाई, क्या कर सकते हैं। पर अभी मैं उठ चुका हूँ, अभी तो कंटेंट आएगा। अभी मैं क्या ना, मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि शाम तक जितना हो सके उतना कंटेंट निकाल दूं, पर ऐसा नहीं होगा कोई बात नहीं, शाम को तो पूरा कंटेंट निकलेगा। गाइस अभी टाइम हो चुका है रात के लगभग 8:35 और क्या ना अभी मुझे घर पे बैठे 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 कुछ आइडिया ही नहीं आ रहे। मैंने सोचा कि नीचे जाके 2-3 चक्कर लगा देता हूँ तो जो फ्रेश एयर आएगा ना तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर आके मैं अपना काम कर सकूं या फिर ब्लॉग के लिए कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए। पर उससे पहले एक और प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, आपको इस साइड दिख रहा है, इस साइड में गड़बड़, मेरा ये साइड गड़बड़ दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद, तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। तो मैंने सोचा है कि मतलब मेरे पास अभी जस्ट आइडिया आया, मैं मेरे पास जो मेरा टोपी है ना ये टोपी से लगा के चलता हूँ, आई थिंक इतना फोकस तो फिर भी हो ही रहा है पर इतना लोगों पर ध्यान नहीं जाएगा, ऐसा तो मैंने सोचा है, देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं यहाँ पे लगभग 30 मिनट से घूम रहा हूँ, मतलब अभी टाइम हुआ है 9:10 और लगभग 30-35 मिनट से तो घूम रहा हूँ, कोई ऐसा खास आइडिया तो नहीं आया, पर हाँ टाइम तो भरपूर लॉस हुआ है मेरा, मतलब ऐसे 30-35 मिनट में क्या ही उखाड़ लेता, तो फिर भी लॉस तो लॉस हुआ है ना। और दूसरी बात सोचा था कि नीचे आके थोड़ा फ्रेश एयर लूंगा, फ्रेश एयर तो छोड़ो भाई, यहाँ पे पीछे से नाले की बदबू आ रही है और हवा तो चल ही नहीं रही है, मतलब पत्ते भी नहीं हिल रहे और ऊपर से गर्मी भी लग रही है। सोचा था नीचे जाकर जाऊंगा तो घर से कम गर्मी लगेगी, वो एग्री है घर से कम ही गर्मी है, पर भाई घर पे एटलीस्ट फैन लगा के हम इसे ज्यादा हवा तो ले सकते थे। 30 मिनट फालतू का लॉस हुआ यार मेरा, चलो वापस घर चलते हैं। अभी हम घर आ चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है लगभग क्या 9:17 और आप लोगों के पास ना कोई अच्छा सा आइडिया हो तो नीचे भाई बताना कि मैं ब्लॉग में क्या नया कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं आया, नीचे गया तो टाइम लॉस भी हो गया, मतलब इतने से सोच रहा हूँ क्या नया करूँ कुछ सुझ ही नहीं रहा है भाई। अगर आप लोग को सजेस्ट करोगे तो अच्छा होगा, अगर आप लोग कहते हो नहीं सजेस्ट भी नहीं करना है तो मेरे को मुंबई भेज दो या कुछ तो करो। ओके और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।